देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 24 नवंबर को मध्य प्रदेश की धरती रीवा में पहुंच रहे हैं। सफेद शेरों की धरती में देश के प्रधानमंत्री दिन भर रहेंगे। यहां पर वो पंचायती राज सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। यही नहीं, वर्चुअल माध्यम से 3 ट्रेनों का यहां से कल मध्य प्रदेश में संचालन भी किया जाएगा। वो ट्रेनें हैं नैनपुर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर, रीवा इतवारी बाया छिंदवाड़ा। देश के प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को रीवा आ रहे हैं। रीवा के SF मैदान में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जिसमें तमाम तरीके की योजनाओं को भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी आयोजित हैं। माना जा रहा है काफी तादाद में यहां लोग मौजूद रहेंगे, उनके बैठने का तमाम इंतजाम व्यवस्थित रूप से करने की तैयारी अंतिम चरण में। SF मैदान में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस दौरान जल जीवन की 4 बड़ी समूह नल जल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनकी कुल लागत 7,853.88 करोड़ रुपए है। रीवा जिले की रीवा बाणसागर परियोजना की लागत 2,319 करोड़ 45 लाख रुपए है। इससे 1411 गांव में पानी पहुंचेगा। सतना बाणसागर 2 की परियोजना की लागत 2,153 करोड़ 12 लाख, इसमें रीवा सतना जिले के 295 गांव लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से सीधी और टमस समूह की योजनाएं भी इस पे जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां अंतिम चरण में है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे में शामिल होने के लिए देश के 3 केंद्रीय मंत्री रीवा पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। उसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम आला अधिकारी रीवा में पिछले कई दिनों से डेरा डाले हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज शाम तक रीवा पहुंचने की सूचना है। माना जा रहा है 24 तारीख का रीवा का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इस बारे में हमने कमिश्नर रीवा से बात की, आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम के लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।